समलिंगी आकर्षण है और शादी करना है तो क्या करें? चलो आइए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला और मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग हमारे पास में आते हैं, उनको बचपन से ही एक समलिंगी आकर्षण है, होमोसेक्सुअलिटी है, एक फीलिंग है, उनका ओरिएंटेशन ऐसा हुआ है कि बच्चों के प्रति काफी आकर्षण है। कभी ऐसी हिस्ट्री रहती है कि उनको उनके कोई संबंध आए रहते हैं, थोड़ा सेक्स भी किया रहता है, या कभी टच वगैरह किया है, एक्चुअली सेक्स नहीं किया रहता, वो गे नहीं है एक तरह से, मगर उनका ओरिएंटेशन जो है, एक आकर्षण जो है, एक लगाव जो है, वो सेम सेक्स की तरफ, मतलब वॉइस की तरफ रहता है ज्यादा। और फिर उनको इच्छा भी नहीं होती शादी करने की, बड़े होते रहते हैं, घर से प्रेशर आता है, फिर धीरे धीरे उनको बाकी बच्चे लोग देख के, या उनको बाकी पीयर प्रेशर बोलो, या लोग पूछते शादी करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने शादी करना चाहिए। और फिर उसको लगता है कि यदि मैं शादी करूं तो फिर क्या मैं मेरे पत्नी को सेटिस्फाई कर सकूं, कि मेरा ओरिएंटेशन जो है वो लड़कों के तरफ है, बॉयज के तरफ है। फिर वो नहीं बोलता है, फिर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है, फिर उसको भी लगने लगता है अंदर से कि नहीं मैंने शादी करना चाहिए। फिर वो हमारे पास में आते कि भाई हमारा ओरिएंटेशन जो है, मेरा जो लगाव है वो लड़की के तरफ नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूं, मुझे शादी करने की इच्छा है, मुझे बच्चे होने चाहिए, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं पूछता हूं कि आप प्रेशर की वजह से ऐसा बोल रहे, पेरेंट्स का प्रेशर है करके आप ऐसा बोल रहे, या पीयर प्रेशर है, आपके दोस्तों का प्रेशर है करके आप ऐसा बोल रहे कि मुझे शादी करनी है, या आपको लगता है खुद को, अपने आप को? तो नहीं, अपने आप को मुझे लगता है कि मैंने करना चाहिए। ठीक है, अपने आप को लगता है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या है कि यदि उसकी इच्छा है, खुद होके वो तैयार है करने के लिए, तो फिर एक तो हम उसको कुछ मेडिसिन देते हैं। मैंने मेरे प्रैक्टिस में SSRI का मतलब ट्राई करके देखा हुआ है, कोशिश करके देखी हुई है कि भाई SSRI देके कुछ बदलाव आता है क्या, कुछ पेशेंट्स में मुझे, कुछ लोग जाए उनमें मुझे फायदा दिखा। फिर दूसरा जो होता है उनका जो ओरिएंटेशन है, मतलब जो ब्रेन पैटर्न तैयार हुए, अभी उनको बदलना होगा। अभी ब्रेन पैटर्न बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेन पैटर्न बदलने के लिए मैं उनको विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता हूँ। मैं पहले उनको हेट्रो हिप्नोसिस करता हूँ। हेट्रो हिप्नोसिस मतलब मैंने उनको हिप्नोटाइज करना, उनको विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन करने लगाना, सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 सूचना देना और उनको वो सिखाना, ताकि घर जाके वो रोज 4 बार कम से कम कर सकेंगे। तो एक एक मतलब आधे आधे घंटे का एक सेशन, 4 सेशन वो रोज करते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। उनको मैं मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग देता हूँ उनको, और उनको बोलता हूँ कि अभी घर में ये करो आप। वो प्रैक्टिस करते हैं और वो विजुअलाइजेशन करते हैं कि भाई वो लड़की के साथ में है, या पत्नी के, अपने होने वाले पत्नी के साथ में, या अभी शादी हो चुकी है और वो लड़की के साथ में सेक्स कर रहे हैं, या कोई उनके कोई पिक्चर सामने लाना है और उनके साथ में वो सेक्स कर रहे हैं। ऐसा वो बार 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 जब वो ब्रेन पे, ब्रेन के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर हैमरिंग करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि ब्रेन को है ना एक्चुअली समझता नहीं कि एक्चुअली हो रहा है कि इमेजिन कर रहे हैं। ब्रेन को लगता है कि जब वो सोच रहा है, जब वो विजुअलाइज कर रहा है, तो ब्रेन को लगता है कि वो सच्ची हो रहा है। तो नए ब्रेन पैटर्न्स तैयार होने के लिए मदद होंगी, मतलब नई संभावनाओं का निर्माण करता है, नई संभावनाओं की निर्मित करता है, नए विचार सबकॉन्शियस माइंड में डालता है। जब वो सेल्फ हिप्नोटाइज है तब तो नए विचार सबकॉन्शियस में डालना है, विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन करना है, उसके साथ साथ आईने के सामने खड़ा रह के अपने आप को ह्यूमन देखना है, और मैं लड़की के साथ में मैं शादी करूंगा और उसके बाद में मेरा जीवन कैसा रहेगा जब मैं शादी करूंगा, तो वो भी इमेजिन करना है, वो विजुअलाइज करना है कि भाई मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ में मैं अच्छा रह रहा हूं, तो वो भी सजेशन देना है और इमेजिन करना है। जब ऐसा करते हैं तो धीरे 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 इसमें फर्क हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं एक बार ब्रेन पैटर्न बन गए तो अभी बदलेंगे नहीं। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये बायोलॉजिकल है या जेनेटिक है और अभी इसमें कुछ हो ही सकता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं और हमको काफ़ी सारे लोगों में हमको इसमें फ़ायदा दिखाई देता है। तो जो भी लोग ऐसे जिनका होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, लगाव है, वॉइस के प्रति लगाव है, भले वो उसमें इंडल्ज नहीं है या गे नहीं है ऐसे, मतलब स्टैम्प नहीं, और उनको बदलने की इच्छा है खुद को, उनको जरूर उनका इलाज हो सकता है। इलाज मतलब ये कि उनको चेंज करना है तो, और वो अच्छा जीवन जो बाकी लोग जीते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं। हालांकि अभी होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में एक मान्यता प्राप्त कंडीशन है और वैसा लोग अपना जीवन जी सकते हैं। पहले बीमारी थी, अभी नहीं है, तो उनका वो अधिकार है वैसा जीने का, मगर उनको खुद को चाहिए कि नहीं अभी मुझे बदलना है तो बदल सकते। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी ऐसे लोगों को शेयर करो, ताकि वो लोग ये उपचार का फायदा लेके अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे।
वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, बार बार हमारे चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।